प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे एस्ट्रेसी कुल का। एस्ट्रेसी कुल जो है इसे सूरजमुखी कुल भी कहते हैं। सूरजमुखी है, हेलियंथस जिसको हजारा कहते हैं, गेंदे का फूल आदि कुछ ऐसे पादप हैं जो एस्ट्रेसी कुल में आते हैं। इसको कॉम्पोजिटी कुल कहा जाता था पहले, क्योंकि इसमें जो पुष्पक्रम होता है इन्फ्लोरसेंस वो कंपाउंड होता है, संयुक्त तो होता है, इसलिए इसका नाम कंपोजिटी कुल था। लेकिन वर्तमान में इसको एस्ट्रेसी कहते हैं। आइए जानें एस्ट्रेसी कुल के बारे में। इसे जैसा कि मैंने बताया सूरजमुखी कुल के नाम से जाना जाता है। एस्टर ग्रीक जो शब्द है उसका मतलब होता है तारा, स्टार, उसके आधार पर इसको एस्ट्रेसी कहते हैं। लैटिन शब्द जो कंपोजिट है यानी संयुक्त पुष्पक्रम, उसके आधार पर इसको पहले कंपोजिटी कहा जाता था। बेंथम हुकर के अनुसार ये एंजियोस्पर्मी प्रभाग में आता है, द्विबीजपत्री कुल है, याद रखना। डाइकोटिलीडंस उपप्रभाग है, गैमोपटेली इसका वर्ग है और इसकी श्रृंखला जो सीरीज है वो इन्फेरी है, जिसमें अंडाशय एक कोष्ठी होगा और एक बीजांड युक्त होगा। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि कंपोजिटी एस्ट्रेसी में अंडाशय एक कोष्ठी होता है। इसके कुछ लाक्षणिक गुण हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टर हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे अधिकतर इसके जो पादप हैं शाक हैं, शब्स होते हैं, क्षुप व आरोही संख्या में कम होते हैं। पादपों में लटेक्स धरवाही निकायें उपस्थित होती हैं, लटेक्स जो वेसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। पत्तियां एकांतर और अनुपर्णी होती हैं, पत्तियों में अनुपर्ण यानी स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं। पुष्पकर्म सरल या संयुक्त मुंडक होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे विशेष तौर पर। जयंगोपरिक पुष्प होते हैं यानी जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है, सुपीरियर होता है। पुंकेश्वर दललग्न या युक्त कोशी, जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी एक कोष्ठी आधारी बीजांडान्यास और अधोवर्ती होता है, ऊर्ध्ववर्ती नहीं होता। फल सरस शुष्क एकिनल सिप्सेला, ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें फल सिप्सेला पाया जाएगा। एस्ट्रेसी या कंपोजिटी का जो लाक्षणिक जो फल है वो सिप्सेला है। इसके पादपों की प्रकृति हम देखें तो ज़्यादातर पादप जैसा कि हमने अध्ययन किया अभी थोड़ी देर पहले शाकीय होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, जैसे टेजिटस है, जीनिया है, क्राइसेंथीमम या गुलदाउदी है, वो भी इसी का एस्ट्रेसी कुल का ही पादप है। हेलियंथस एनुअस है, हेलियंथस ट्यूबेरोसम है, कॉस्मोस है, डहेलिया है, आर्निका मॉन्टाना, पार्थीनियम स्टेरोफोरा जिसको गाजर घास कहते हैं, ये सब शाक पादप हैं। कुछ क्षुप भी पाए जाते हैं, शब्स जैसे सिंसियो, कुछ वृक्ष हैं वर्नोनिया, अर्बोनिया, सिनिसियो क्रुएंटस, कुछ वल्लरी यानी ट्विनर्स भी हैं जैसे मेकेनिया, कार्डेंटा। अब इसकी मूल यानी रूट की बात करें तो शाकित मूसला मूल पाई जाती है, क्योंकि द्विबीजपत्री है तो मूसला मूल टैप रूट पाई जाएगी। इस पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं जो वृद्धि प्रजनन यानी कायिक प्रजनन में सहायक होती हैं। डहेलिया ट्यूबेरोसोमा की मूसला मूल भोजन संग्रहित करके फूल जाती है, कंदिल मूल ट्यूबेरस रूट कहलाती है। डहेलिया में ट्यूबेरस रूट पाई जाती है। तना या स्टेम की बात करें तो तना वायवीय होता है, शाखित बेलनाकार ऊर्ध्व अथवा पुष्प दंडधर जैसे लॉनिया, शाकीय अथवा काष्ठीय। ठोस कुछ पादपों को छोड़कर से सभी में संवहन फूलों के बाहर की ओर तैलयुक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, यानी तेलीय नलिकाएं इनमें उपस्थित होती हैं तने में, जो इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। हेलियंथस ट्यूबेरोसम में उपस्थित कंदों में एक प्रकार का स्टार्च इन्यूलिन पाया जाता है, अतः यह कंद खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आता है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां पेटियोलेट होती हैं, सेवरंत होती हैं, स्तंभिक व शाखीय यानी स्तंभ और शाखाओं दोनों से निकलती हैं। लॉनिया व टेरेक्सेकम में मूलज पाण उपस्थित होती यानी जो जड़ से सीधी पत्तियां निकलती हैं, सरल अननुपर्णी एकांतरित होती हैं। ट्राइडेक्स
में सम्मुख क्रोसित ऑपोजिट डेसिवसेट तथा केवल ऊपरी भाग में कुछ पर्ण एकांतरित रूप से व्यवस्थित होती हैं। यूपेटोरियम के तने पर चक्रिक पर्ण उपस्थित होती हैं। यह अवस्था बहुत विरल रूप से पाई जाती है। सोंकस में पर्णाधार पर्णाम ऑरिकल निर्मित करते हैं। रेलेनिया में पत्तियां सूचाकार यानी सुई के समान होती हैं। सिंसियों विस्कोसस में पर्ण छूने पर चिपचिपा महसूस होता है क्योंकि उस पर उपस्थित रोम ग्रंथिल होते हैं। लियंथस में रोम आधारी भाग पर सिलिसीकृत कोशिकाएं युक्त होते हैं। जब रोम झड़ जाते हैं तब भी इन पत्तियों की सतह स्पर्श करने पर खुरदरी अनुभव होती है। हेलियंथस जो गेंदा होता है उसकी जो पत्तियां हैं वो खुरदरी क्यों होती हैं? क्योंकि कुछ सिलिका युक्त रोम इनमें पाए जाते हैं। पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम जो एस्ट्रेसी का प्रमुख लक्षण है मुंडक कैपिटुलम होता है जो पुष्पावली वृंथ के संघनित होने पर निर्मित होता है। यही कई आकार गोलाकार चपटा अवतल उत्तल शक्वाकार अथवा गोलाकार गुंबदाकार ग्रहण आकार ग्रहण कर सकता है। इस संघनित पुष्पावली वृंत पर अवृंत पुष्प लगे रहते हैं। अतः यह माना जाता है कि मुंडक असीमाक्षी सूखी रसीमॉस स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम का संघनित रूप है। इस पुष्पक्रम में आधारी सहपत्र बंद होकर संरक्षिणी चक्र का निर्माण करते हैं। यानी जो आधारीय ब्रैक्ट होगा सहपत्र होगा वो बंद हो जाता है, उसी को संरक्षिणी चक्र इन्वोल्यूक्रे कहते हैं। कभी कभी यह नीचक्र अनुपस्थित हो सकता है। अब बात आती है मुंडकों में पुष्पकों की व्यवस्था, यानी जो फ्लोरेट्स होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। ये पूरे पुष्पक होंगे वो दो प्रकार के होंगे, समजात मुंडक और विषमजात मुंडक। समजात मुंडक यानी जो पुष्पक्रम होगा, अगर वो समजात मुंडक होगा विद्यार्थियों, तो इसमें एक प्रकार के पुष्पक या नियमित पुष्पक रेगुलर द्विओष्ठी अथवा जीविकाकार पुष्पक उपस्थित होते हैं। सभी पुष्पक द्विलिंगी होते हैं, जैसे सोंकस लोनिया में सभी पुष्पक जीविकाकार, म्यूटिशिया में द्विओष्ठी तथा एजीरेटम में सभी पुष्पक नलिकाकार प्रकार के होते हैं। अगर पुष्पक दो प्रकार के होंगे तो उसे विषमजात मुंडक कहेंगे, यानी ऐसा पुष्पक्रम जिसमें दो प्रकार के पुष्पक पाए जाएंगे तो ऐसा पुष्पक्रम ऐसा मुंडक विषमजात मुंडक कहलाएगा। इसमें दो प्रकार के पुष्पक पाए जाएंगे विद्यार्थियों, परिधि की ओर परिधीय पुष्पक होंगे जिन्हें रे फ्लोरेट्स भी कहेंगे, जो जीविकाकार नलिकाकार द्विओष्ठी होंगे और बंद होते हैं ज़्यादातर ये अथवा स्त्री केसरी न्यूटर या पिस्टिलेट होते हैं, जबकि मध्य भाग में बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट्स पाए जाते हैं जो नियमित प्रकार के पुंकेसरी अथवा द्विलिंगी होते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करें तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर विद्यार्थियों, ये जो पुष्पक हैं जो मध्य में हैं ये बिंब पुष्पक हैं, द्विलिंगी होंगे या पुंकेसरी होंगे, जबकि ये यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ हैं ये वाले सारे के सारे ज़्यादातर बंद होंगे। तो ये कौन से पुष्पक का उदाहरण है? विषमजात पुष्पक का उदाहरण है जिसमें दो प्रकार के, ये बिंब पुष्पक और ये सारे के सारे अरीय पुष्पक रे फ्लोरेट्स होते हैं। एस्ट्रेसी के कई वंशों में मुंडक पुष्पक्रम संयुक्त भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मुंडक के पास उसका स्वयं का नीचक्र उपस्थित होता है। अब हम बात करें इसके पुष्प की यानी फ्लावर की, तो पुष्प अवृंत होगा। हमेशा याद रखना कंपोजिटी में एस्ट्रेसी में पुष्प अवृंत होता है। सहपत्री अथवा नीपत्री, पूर्ण अथवा अपूर्ण, द्विलिंगी, स्त्री केसरी, पुंकेसरी, त्रिजा अथवा एकवास सम्मित, चतुर्थई जैसे कोटुला अथवा पंचतई होता है। एस्ट्रेसी में पुष्प सदैव जायांगोपरिक प्रकार का व चक्रिक पाया जाता है, जायांगोपरिक होता है। बाह्यदलपुंज कैलिक्स ये इसका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। संख्या में दो या असंख्य होते हैं। मुक्त कोर स्पर्शी सफ़ेद शल्की रोमिल शूकी समान होते हैं। संयुक्त रूप से पैपस कहलाते हैं।
चिरलग्न होते हैं तथा फलों के प्रकीर्णन में पैरासूट प्रक्रिया में सहायता करते हैं। बाह्य दलपुंज असंख्य होते हैं, रोमिल होते हैं, शूक के समान, और क्या कहलाते हैं बाह्य दल, पैपस कहलाते हैं, जो शूक के समान रोमिल हल्के होते हैं। तो जब फल पूरा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और उसका प्रकीर्णन करना होता है, तो ये उसके प्रकीर्णन में मदद करते हैं बाह्य दलपुंज, जो पैपस कहलाते हैं और चिरलग्न होते हैं, हमेशा लगे हुए पाए जाएंगे। दलपुंज दल 4 या 5 संयुक्त दली कोरस्पर्शी होते हैं। दलपुंज का आकार नलिकाकार, जीविकाकार या द्विओष्ठी हो सकता है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो ये रेफ्लोरेट्स हैं और ये डिस्क बिंब पुष्प और अरीय पुष्प हमें दिखाई दे रहे हैं। पुमंग 5 युक्त कोशी, यानी आपस में जिनके पराग कोश जुड़े हुए हों उनको युक्त कोशी कहते हैं। सिनेंजियसिस दल लग्न दल से जुड़े होंगे और पराग कोश परस्पर जुड़े हुए होंगे। द्विकोष्ठी आधार लग्न पुंकेसर उपस्थित होते हैं। अपवाद स्वरूप जैंथियम में पुंकेसर मुक्त प्रकार के होते हैं। पुंकेसर अधिकतर बड़े रंगीन अथवा छोटे अंतर्मुखी अनुदैर्ध्य रूप से स्फुटित होते हैं। जायांग गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो द्विअंड भी होते हैं, सप्तांड भी एक कोष्ठीय होते हैं। हमेशा याद रखना एक कोष्ठीय जायांग में पाए जाएंगे। आधारी बीजांडान्यास युक्त होता है। अंडाशय अधोवर्ती होता है, मैंने ऊर्ध्ववर्ती बता दिया था लेकिन अधोवर्ती अंडाशय होता है। एक सरल वर्तिका उपस्थित होती है तथा इसके शीर्ष पर 2 रोमिल वर्तिकाग्र उपस्थित पाए जाएंगे। ये 2 रोमिल वर्तिकाग्र इसमें पाए जाते हैं। फल एस्टेसी का विशिष्ट फल सिप्सेला होता है। ये भी याद रखने योग्य है कि एस्टेसी कुल में कौन सा फल पाया जाता है, सिप्सेला। एस्टेसी कुल के बाह्य दलपुंज संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, पैपस। परागण व प्रकीर्णन, एस्टेसी कुल में वायु और कीटों द्वारा परागण प्रकीर्णन पाया जाता है। जैंथियम में फल पर शूक पाए जाते हैं, जानवर भी प्रकीर्णन इनका कर पाते हैं। वर्गीकृत रूप से रूबियल्स के ये समान होते हैं, यानी रूबियेसी कुल के साथ ये समानता प्रदर्शित करता है। इसके कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे पूरे विश्व में ये पाया जाता है। इसका जो पुष्पकर्म है वो मुंडक या कैपिटुलम, ये इसका एडवांस लक्षण है, जो कीट परागण के लिए अच्छा अनुकूलन माना जाता है। पुष्पक एक अथवा द्विलिंगी एक व्यास सम्मित होते हैं। बाह्य दलपुंज हासित व पैपस के रूप में होता है, जिससे प्रकीर्णन में आसानी होती है। पुमंग पुंकेसर युक्त कोशी, यानी जो पराग कोश होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जायांग द्विअंड भी युक्तांड भी और एक कोष्ठी होता है, जिसमें बीजांड आधारी होता है। बीजांड पर एक अध्यावरण इसकी प्रागत अवस्था को प्रदर्शित करता है, यानी एस्टेसी कुल में जो बीजांड है वो एक अध्यावरणी होता है। सिप्सेला इसके फल का नाम है और पैपस इसके बाह्य दलपुंज होते हैं, बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। अब अगर हम इसका आर्थिक महत्व देखें विद्यार्थियों, तो ज़्यादातर इसके पादप शोभाकारी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जैसे एस्टर, कॉस्मोस, क्राइसेंथीमम, गुलदाउदी, डहेलिया, हेलियंथस, जीनिया। कुछ औषधीय पादप भी इससे मिलते हैं, जैसे वर्नोनिया से चर्म और कुष्ठ रोग का उपचार होता है, आर्टिमीसिया से जो है उदर रोग और पेट के कीड़े वगैरह नष्ट किए जाते हैं। इसी प्रकार से ऑर्निका जो है ये इसका उपयोग होम्योपैथी की दवाई में किया जाता है। स्फीरेंथस पेट दर्द में, टेजिटिस का उपयोग कीड़े मारने में किया जाता है। हेलियंथस एनवस से सनफ्लावर यानी जो सूरजमुखी है उससे तेल प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग जलाने, पेंट में डालने आदि के काम आता है। कार्थेमस टिंक्टोरिया, इससे भी शुष्क तेल प्राप्त किया जाता है। एक्लेप्टिटा प्रोस्टेटा से आसवन विधि द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। कार्थेमस टिंक्टोरिया से येलो जो डाई है, पीला रंजक प्राप्त किया जाता है। वर्मोनिया मिसूरिका से बैंगनी, एलियंथस एनवस से पीला रंजक, इन्यूला विस्कोसा से भी पीला रंजक प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ पादप इसके ऐसे भी होते हैं जिनसे रबर भी प्राप्त किया जाता है, जैसे टेरेक्सक्सव कॉक्सैगस से रबर प्राप्त होता है। पार्थीनियम अर्जेंटेटम से भी रबर प्राप्त होता है। सायनारा स्कोलिमस
चिकोरियम इम्बिटस, ये इसके एडिबल प्लांट हैं। तो विद्यार्थियों, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।